أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام النبيين وسيدنا مولانا محمد وشفيعنا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो सीरत की सीरीज़ है उसका आज 100th लेक्चर है, 100वां लेक्चर है। तो तकरीबन इस सिलसिले को 2 साल और 1 महीने हो गए हैं और हम 100वें लेक्चर पे पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और यानी इसमें अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला इसी तरह आगे इस सिलसिले को कायम रखे और हम लोगों के लिए जो है वो मग़फ़िरत का इल्म में इजाफ़े का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में और आपकी इत्तेबा में इजाफ़े का सबब बनाए, आमीन। तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। हम दस्तूर मदीना पढ़ रहे थे, इनफैक्ट शुरू नहीं किया था हमने, इसके बारे में इशारा बाज़ मुकामात पे दिया था। और उससे पहले जो यानी दस्तूर मदीना के वज़ा किए जाने से पहले जो यानी कि मुआखात हुई थी, यानी द ब्रदरहुड एग्रीमेंट हुई थी, उसको हमने डिटेल में पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें जो है वो अंसार की फ़जीलत और महाजरीन की फ़जीलत और उसमें जो कुरान की आयतें उतरी हैं उनको भी समझा है। और ये भी समझा है कि इस ब्रदरहुड एग्रीमेंट का रेलेवेंस क्या था, इम्पोर्टेंस क्या था और किस तरीके से ये जो है यूँ कह लीजिए कि बेनज़ीर मिसाल थी, एक ऐसी मिसाल थी जिसका कोई पैरेलल आपको किसी इंसानी सोसाइटी के अंदर नहीं दिखेगा। यानी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने इस एग्रीमेंट को, मुआखात को, ब्रदरहुड एग्रीमेंट को इस दर्जे सीरियसली लिया कि जिनको जिनका भाई बनाया गया उनकी आपसी मोहब्बत जो है वो अपने सगे भाइयों से ज़्यादा हुई और उसकी मिसाल देखी जा चुकी है। आगे चलते हैं। तो अब यानी मदीने के में जो फर्दर डेवलपमेंट्स हो रहा है और जो एक छोटी सी रियासत इस्लामिया कायम हो रही है, जैसे जैसे वो रियासत आगे बढ़ रही है ज़ाहिर है कि उसमें लीगल फॉर्मूलेशन भी हो रहा है, कवानीन भी जो है एक लीगल शक्ल में सामने आ रहे हैं। और शरीयत चूँकि मुकम्मल तौर पे नाजिल नहीं हुई थी तो जो भी नुज़ूल हो चुका था उसके साथ साथ जो सियासी एग्रीमेंट्स हुए हैं डिफरेंट कम्यूनिटीज़ के दरमियान, जो पॉलिटिकल अलायंसेस बने हैं मदीना में इस रियासत के क़याम के बाद, जो ज़ाहिर है कि यानी यूँ कह लीजिए कि तमाम रियासत के लिए इन एग्रीमेंट्स की हैसियत मुसल्लमा है। यानी कोई भी जो यूँ कह लीजिए कि नेशन हो या कोई भी रियासत हो, कोई भी स्टेट हो, वो बग़ैर अलायंसेस के, बग़ैर ट्रीटीज़ के कायम नहीं रह सकता, है ना। तो ये बिल्कुल नेचुरल बात है, ये बहुत फितरी बात है। उसी तरीके से जब मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत को कायम किया और आप मदीने में बतौर मुहाजिर नहीं गए थे, बतौर एसाइलम सीकर नहीं गए थे, बल्कि आप मदीने में कायद के रोल के तौर पे देखे जा रहे थे, है ना। और यानी सहाबा ने मजमूई तौर पे आपको कायद तस्लीम किया था और ज़ाहिर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायद तस्लीम न करे, सहाबी तो दूर की बात है, मुसलमान भी नहीं हो सकता। तो तमाम अंसार व महाजरीन जो मदीने के में मौजूद थे, वो मदीने की मेजॉरिटी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के वक्त और आने के कुछ ज़माने गुजरने के बाद, यानी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम हैं उसमें एक मास मेजॉरिटी ने इस्लाम कबूल कर लिया था मदीने के अंदर। तो बहरहाल मदीने में नेचुरली इस्लाम एक डोमिनेंट फोर्स की हैसियत रखता था, एक डोमिनेंट यूँ कह लीजिए कि नज़रिए की हैसियत रखता था। तो अब ये नज़रिया महज नज़रिए की हद तक महदूद न रह के एक सियासी क़ुव्वत, मतलब सियासी क़ुव्वत का एक की एक शक्ल अख्तियार कर चुका था। इसके लिए ज़रूरी था कि एक दस्तूर बनाया जाए, एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए जिसमें डिफरेंट अलायंसेस जो हों, डिफरेंट जो कायदे कानून हों उनको बयान किया जाए। अब रही बात, इसमें ज़रा सा मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अहम है और मैंने अक्सर यानी किताबों के अंदर खोजा इस चीज़ को और अक्सर सीरत के ऊपर जो लेक्चर्स दिए जाते हैं उसमें मैंने देखा, तो मैंने देखा कि इस सही से यानी दस्तूर मदीना के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रोशनी जो है मुझे नहीं मिली कि कहीं बहुत तफसीली, यानी मुख्तलिफ सोर्सेज में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल रही है लेकिन मैंने एक किसी सीरत की किताब में इतनी तफसील से इस मौजू को नहीं देखा। हालाँकि ये मौजू अहम है और यानी इसको तफसील से न लिखने के भी अपने असबाब हैं, यानी ऐसा नहीं है कि
जिन उलेमा ने सीरत की किताबें लिखी हैं उन्होंने बस यूं ही इसको छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। उनके न लिखने के की भी सबब हैं, यानी कि भी असबाब हैं, लेकिन उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मेरे नज़दीक ये दस्तूर जो है बहुत अहम है, और ये एक इनिशियली इवॉल्विंग स्टेट ऑफ मदीना के जो अलायंसेस एंड ट्रीटीज हैं उन पे एक अच्छी रोशनी डालता है। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस डॉक्यूमेंट को हम सरसरी तौर पे ही सही कम से कम ज़रूर पढ़ें और समझें कि किस तरह जो है वो सियासी शक्ल में जब स्टेट वजूद में आता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो भी इस्लामी रियासत हो उसके इकदाम किस तरीके से हों आपसी दूसरी अकवाम के साथ, यानी दूसरी कम्यूनिटीज़ के साथ। तो ये बहुत अहम है इस एतबार से, ठीक है ना। तो ये दस्तूर मदीना है, और ये जो है यानी मस्जिद नबी की तामीर और मुआखात वाले एग्रीमेंट और जो घर मकानात की तामीर हुई इन सब के बाद इन्हें तकरीबन 1-1.5 साल बाद जो है ये वजूद में तकरीबन आया मदीने के अंदर। यानी मदीने में तकरीबन 1 साल का की मुद्दत जब गुजर गई तब ये सहीफ़ा जो है वजूद में आया। इसकी एग्जैक्ट डेटिंग मुझे नहीं मिल सकी। डिफरेंट इशारे हैं अहादीस में और सीरत की कुतुब के अंदर, लेकिन एग्जैक्ट किसी रिवायत में डेट मेंशन नहीं कि कब ये सहीफ़ा जो है तैयार किया गया। लेकिन जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को गौर करके, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर गौर करके जो बात समझ में आती है वो यही कि तकरीबन 1 साल बाद जो है वो ये दस्तूर वजूद में आया, ठीक है ना। तो ये बेसिक प्लेटफॉर्म था, थोड़ा बैकग्राउंड था कि कब ये वजूद में आए। दूसरी एक अहम चीज़ है इसके ताल्लुक से कि इसको इब्न इसहाक ने भी नकल किया है, तबकात इब्न साद में भी मेंशन है, और फिर इब्न इसहाक के हवाले से इब्न हिशाम ने भी नकल किया है, और यानी कई और स्कॉलर्स ने इस पर इसको नकल किया है। अर्ली सोर्सेज में कई रिवायतें मिलती हैं, साद बिन अबी वक़ास से भी मिलती हैं और मुख्तलिफ सहाबा से मिलती है दस्तूर मदीना के ताल्लुक से। लेकिन दस्तूर मदीना के बारे में एक ख़ास बात समझ लीजिए कि दस्तूर मदीना नाम से जो है मशहूर नहीं था, बल्कि अलग अलग नाम जो है इसकी मुख्तलिफ सीरत के सोर्सेज में आते हैं। बिकॉज नाम की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है कि इस लीगल डॉक्यूमेंट का नाम क्या था, अहमियत इस बात की है कि उसका कंटेंट क्या था। तो बाज़ किताबों में उसको अहद मदीना भी कहा गया है, यानी द ट्रीटी ऑफ मदीना है। बाज़ किताब में उसको वसीक़ मदीना यानी द चार्टर ऑफ मदीना कहा गया, बाज़ में मुवादा यानी ट्रूस ऑफ मदीना कहा गया, ठीक है। बाज़ में अमन मदीना यानी मदीना में जो पीस सेफ कंडक्ट के एग्रीमेंट्स हुए थे वो उस ताल्लुक से भी इसमें ये है। तो ये मुख्तलिफ नाम जो हैं दस्तूर मदीना के, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स जो दस्तूर मदीना के ताल्लुक से हैं उनको पढ़ेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत होगी तो एक्सप्लेन करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगी सेल्फ एविडेंट होगा तो बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसके 47 पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें समझ में आए हैं वो बयान करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली मदीने के ट्राइबल स्ट्रक्चर के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो हमारे लिए उस तरीके से रेलेवेंट नहीं है ना, तो हम उनको स्किप करेंगे सरसरी बस, यानी आपके सामने वो उनको पढ़ के हम स्किप कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला पॉइंट जो है, पहला क्लॉज जो था दस्तूर मदीना का, वो ये था कि दिस इज़ अ किताब। अब ज़ाहिर है सारी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ हम पढ़ेंगे और फिर उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उर्दू में तर्जुमा करेंगे। दिस इज़ अ किताब फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह बिटवीन मुमिनून एंड मुस्लिमून ऑफ कुरैश एंड यसरिब एंड दोज हु जॉइन देम एंड मेक जिहाद अलोंग साइड देम। यानी ये किताब किन लोगों को इंक्लूड करती है, ये दस्तूर किन लोगों को इंक्लूड करता है। पहली चीज़ तो ये फ्रॉम किसकी तरफ से है, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। ये अपने आप में यानी साबित करने के लिए काफ़ी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत अथॉरिटी किसी हो गई थी मदीने के अंदर, तभी जो है मदीने का पूरा दस्तूर कायम हुआ, जहाँ मुशरिक भी कुछ हद तक मौजूद थे, यहूद भी थे और बहुत कम तादाद में ईसाई भी थे, लेकिन यहूद भी थे और यानी दूसरी अकवाम मौजूद थी वहाँ। इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अगर चार्टर जारी हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इस चार्टर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथॉरिटी वाज़ा हो रही है। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, मेरी आवाज़ क्लियर है जी? चलिए होपफुली आपके नेटवर्क में अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, बाकी लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ आ रही होगी जी।
चलिए आगे चलते हैं। तो एक चीज़ के ये किसकी तरफ से है, ये चार्टर, ये दस्तूर किसकी तरफ से है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। दूसरा, किन के दरमियान है, किन के ऊपर ये लागू होता है? तो मोमिनून और मुस्लिमून ऑफ कुरैश, यानी मोमिनून एंड मुस्लिमून ऑफ कुरैश एंड यसरिब, यानी यसरिब यानी मदीने के जो मोमिन और मुस्लिम हैं और जो कुरैश के मोमिन और मुस्लिम हैं उन पे ये लागू होता है, एंड दोज हु ज्वाइन देम यानी जो उनके साथ ट्रीटी में दाखिल हो जाएं उन पे भी ये लागू होता है। एंड मेक जिहाद अलॉन्ग साइड विद देम एंड फाइट, यानी कि जो भी बैटल में जंग होगी उनमें मोमिनून और मुस्लिमून के साथ अगर किसी का मुआहिदा हो जाए और वो भी इनकी तरफ से इनके फेवर में लड़ते हैं तो वो भी इस अहद में दाखिल हैं, यानी इस अहद के अंदर जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी उन पर एक्सटेंड होंगी, है ना। इसमें एक और ख़ास बात नोट कीजिए कि यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है मोमिन और मुस्लिम, यानी मोमिनून और मुस्लिमून। जाहिर है कि ये दोनों टर्म अगर बिल्कुल सेम होता तो अलग अलग इस्तेमाल नहीं किया जाता, है ना। तो इसमें कुछ डिफरेंस है, और डिफरेंस के लिए यानी एक अपने आप में ये एक अहम टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी तफसील में ना जाते हुए बस यूँ कह दें कि मोमिनून से मुराद वो हैं जो कन्विक्शन के साथ पूरी शराह सदर के साथ इस्लाम कबूल कर चुके हैं और इस्लाम को अपना उठना यानी ओढ़ना बिछौना बना चुके हैं, और मुस्लिमून से मुराद वो हैं जो इस्लाम को एज अ इम्पॉर्टेंट और डोमिनेंट फोर्स देख के और एक इन कह लीजिए कि एक इवॉल्व होता हुआ सिविलाइजेशन देख के उसको कबूल कर लिया है, कोई दुश्मनी नहीं है इस्लाम से, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो एक अच्छी आइडियोलॉजी है, एक अच्छी चीज़ है जो परवान चढ़ रही है तो इसका साथ देते हैं। तो वो भी दिल से यानी अल्लाह उसके रसूल पे ईमान लाए, लेकिन लेवल ऑफ कन्विक्शन मोमिनून जैसा नहीं, ठीक है ना, समझ गए ना बात को। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यूँ समझ लीजिए कि ऑल द बिलीवर्स के लिए ये था, फॉर ऑल द बिलीवर्स ऑफ कुरैश एंड यसरिब, यानी चाहे वो कुरैश के बिलीवर्स हों यानी जो मक्के से हिजरत करके आए हों यानी मुहाजिरीन हों, या यसरिब के हों यानी मदीना के हों यानी अंसार हों। एक और चीज़ नोट कीजिए कि अभी तक इस डॉक्यूमेंट में नाम जो है मदीने का यसरिब लिखा जा रहा है, तो पता ही चला कि अभी तक मदीने का नाम जो है मदीनतुन्नबी नहीं पड़ा था, या अगर पड़ा था तो उतना फेमस नहीं हुआ था, यानी ओल्ड नेम यसरिब अभी भी मौजूद था और लोगों की ज़बान पे था, और लीगल हैसियत यानी कि ज़्यादा मारूफ जो नाम था मदीने का वो यसरिब ही था उस वक्त तक। क्यों? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में यसरिब लिखा हुआ है, ठीक है। एक और अहम पॉइंट है इस पॉइंट नंबर वन में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किसके किसके लिए एक्सटेंड किया, मोमिनीन के लिए यानी द बिलीवर्स के लिए, एंड दोज हु ज्वाइन देम यानी जो लोग भी बिलीवर्स का सपोर्ट करते हैं, इवन इफ दे आर नॉट बिलीवर्स बट दे सपोर्ट बिलीवर्स इन द जिहाद, यानी इन स्टे इन इन प्रोटेक्शन ऑफ मदीना और इन द फेवर ऑफ इस्लाम, इफ समवन इज ग्रांटिंग देम सपोर्ट देन ऑल्सो दिस ट्रूस और दिस डॉक्यूमेंट इज एप्लीकेबल ऑन देम, इवन इफ दे आर नॉट मुस्लिम, इवन इफ दे आर नॉट मुस्लिम बट इफ दे सपोर्ट मुस्लिम्स इन द वॉर एंड इफ दिस ज्वाइन मुस्लिम्स, इफ दे यू नो मेक ट्रीटी विद मुस्लिम्स, देन डेफिनेटली दिस डॉक्यूमेंट इज एक्सटेंडेबल टू देम एज वेल, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपको कि यानी अगर जो लोग भी मुआहिदा कर लेते हैं उन पर भी ये एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर टू, यानी जिन लोगों का भी ऊपर जिक्र हुआ, दे आर वन पीपल टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर पीपल, यानी इन्नहुम उम्मतुन वाहिदतुन मिन दूनिन नास, इन्नहुम ये थोड़ा सा इंग्लिश में जो है करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, इसको इस तरह पढ़ेंगे, इन्नहुम उम्मतुन वाहिदतुन मिन दूनिन नास, कि दे आर वन उम्मा टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर पीपल, यानी कि जो लोग भी मोमिनीन और मुस्लिमीन के साथ वॉर में शामिल होंगे या उनको सपोर्ट करेंगे या उनके साथ ट्रीटी में दाखिल हो जाएंगे, दे ऑल विल बी ट्रीटेड एज वन उम्मा इवन इफ सम ऑफ देम माइट नॉट बी बिलीवर्स। दिस इज़ ऑब्वियसली इन दुनिया, नॉट इन आखिर, आखिरा में तो जो है वो ईमान आपके दिल में किस कदर है उसके बकदर फैसला होगा, लेकिन दुनिया में चूंकि ज़ाहिर पे हुक्म लगता है तो ज़ाहिरन जिन लोगों ने इस्लाम का सपोर्ट किया है उनको उम्मत का पार्ट माना जाएगा, इवन इफ दे आर नॉट बिलीवर्स। तीसरा पॉइंट, द इमिग्रेंट्स फ्रॉम द कुरैश यानी मुहाजिरून कीप टू देयर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, कोऑपरेटिंग विद ईच अदर रिगार्डिंग ब्लड मनी एंड रिलेटेड मैटर्स एंड रैनसमिंग देयर कैप्टिव्स अकॉर्डिंग टू वॉट इज कस्टमरी एंड इक्विटेबल एमॉन्ग द बिलीवर्स। तीसरा पॉइंट है, समझ लीजिए इस बात को, कि कहते हैं कि मुहाजिरीन कुरैश जो है यानी मुहाजिरीन मक्का जो है उनका जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन था वो एज इट इज रहेगा, यानी अगर कोई किसी
कबीले से ताल्लुक रखता है उसकी कबीले की शनाख्त बाकी रहेगी, ऐसा नहीं है। यानी बाज़ लोग इसमें थोड़ी सी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, उनको लगता है कि इस्लाम तमाम ट्राइबल और तमाम फैमिली और कल्चरल पहचान को ख़त्म कर देता है। ऐसा नहीं, इस्लाम तमाम अदर पहचान को ताबे बनाता है ईमान के पहचान के, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाकी पहचान और शनाख्त जो है या आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये गैर फितरी बात है। यानी सहाबा कराम भी अपने आप को कबीले से मंसूब करते थे, कोई ये गलत बात नहीं है। हमारे उलेमा हमेशा से अपने आप को अपनी पैदाइश की जगह से मंसूब करते आए हैं। यानी इमाम अबू हामिद जो बहुत मशहूर इमाम गुजरे हैं, उनका आप ओरिजिनल नाम शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हों, उनका ओरिजिनल नाम अबू हामिद था, लेकिन मैं उनको उनका जब दूसरा नाम बताऊंगा तो वो ज़्यादा मशहूर है, यानी गजाली, जिसको हम इमाम गजाली कहते हैं। उनका असल नाम अबू हामिद था, तो उनको असल नाम से कोई नहीं जानता, लेकिन गजाला एक जगह थी वहाँ से उनकी नस्बत थी, तो उस वजह से वो नाम मशहूर हो गया। उसी तरह बहुत से यानी इमाम बुखारी, इनकी भी नस्बत अपनी जगह के साथ है। फिर और भी बहुत से लोग हैं जिनकी नस्बत सलमान फ़ारसी, क्योंकि फ़ारस के थे तो उनकी नस्बत अपने इलाके से। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वन कैन एसोसिएट हिमसेल्फ टू देयर ट्राइब और टू द प्लेस ऑफ देयर बर्थ, बट ऑल अदर आइडेंटिटी, एवरी अदर आइडेंटिटी इज सबसर्वियंट टू इस्लाम। The every other identity is subservient to the identity of belief, the identity of faith. Every other loyalty is subservient to the loyalty which is for Allah and His Messenger, sallallahu alaihi wasallam. ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो फरमाते हैं कि जो मुहाजरीन कुरैश होंगे उनका ट्राइबल स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा, उनकी लीडरशिप भी एज इट इज़ रहेगी। ऑब्वियसली सबके लिए असल लीडर कायद आज़म जिसको कह लीजिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, लेकिन अपने अपने लेवल पे छोटे छोटे जो ट्राइब्स हैं उनके जो लीडर्स हैं वो अपनी जगह रहेंगे, कोई उनकी लीडरशिप को चैलेंज नहीं किया जाएगा। इससे एक और चीज़ समझ में आती है कि इस्लाम जो है बेवजह का स्टेटस को नहीं तोड़ता है, जहाँ पर स्टेटस को तोड़ने की ज़रूरत हो जाए वहीं तोड़ता है। वरना हम देखते हैं कि सहाबा कराम जो है रोम और फारस में दावत लेके जाते थे जंग से पहले, तो वो कहते थे कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो हम तुम्हें बादशाह रहने देंगे। हालांकि वो उस बादशाहत की के भी ज़्यादा मुस्तहिक कौन थे? सहाबा कराम थे, क्योंकि वो ज़ाहिर दीन का फहम और समझ ज़्यादा रखते हैं, लेकिन तरजीह हुकूमत को नहीं थी, तरजीह थी कि लोग इस्लाम कबूल कर लें। अगर बादशाहों को ये कहा जाए कि तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो भी हम तुम्हें गद्दी से उतार देंगे, तो फिर वो तो वैसे भी नहीं कबूल करेगा, है ना। तो उनको ये लालच दी जाती है या उनको कम से कम ये एश्योरेंस दिया जाता है कि तुम्हारी बादशाहत कायम रहेगी अगर तुम इस्लाम कबूल कर लेते हो, ताकि जो है बादशाहत की तब्दीली और हुकूमत की तब्दीली ये अपने आप में एक बहुत ही टायरसम प्रोसेस है, ये अपने आप में बहुत से टोल लेके आता है। तो बसा औकात इस्लाम जो है स्टेटस को चैलेंज नहीं करता है, और बाज़ औकात करता भी है, यानी कि वो सिचुएशन और हिकमत पे डिपेंड करता है कि किस मौके पे इस्लाम जो है प्रिवेलिंग स्ट्रक्चर को तोड़ देगा और किस मौके पे इस्लाम प्रिवेलिंग स्ट्रक्चर को सस्टेन रहने देगा with the condition of Islam, with the condition of Islam. Obviously, we have to understand Islam is always the condition and the ideology and the hukm and the sharia will always prevail, will always be superior. That being said, every time the old structure need not to be demolished. ये बात समझनी ज़रूरी है इसे, ठीक है ना। क्योंकि फरमाते हैं कि ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेंगी, और आपस में उनका ताउन जो है ब्लड मनी के ताल्लुक से और फिदिया के ताल्लुक से और जो है वो कैदी छुड़ाने के ताल्लुक से वैसा ही रहेगा जैसा कस्टमरली एक्सेप्टेबल हो, यानी जैसा आम तौर पे मारूफ और अच्छा समझा जाता हो, उसी तरीके पे उनका ताउन और उनका कैदियों को आज़ाद कराना और उनका फिदिया देना वगैरह वगैरह जो है वो इसी तरह कायम रहेगा। इस बात को समझने के लिए ज़रा थोड़ा सा ट्राइबल स्ट्रक्चर समझ लीजिए अरब का, क्योंकि वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। जी एक सेकंड का वक्त है मुझे, एक सेकंड। जी मसला क्या था कि अगर हम प्री इस्लामिक अरबिया को देखें, यानी दौरे जाहिलियत को देखें, तो क्या होता था कि एक इंसान अपने कबीले पे पूरे तौर पे रिलाई करता था, ठीक है ना। अगर किसी इंसान का कत्ल हो जाए तो ये उसके कबीले वालों की ज़िम्मेदारी होती थी कि कातिल को सज़ा दें, सिर्फ कबीले वालों की ज़िम्मेदारी, बाकी लोगों को इससे मतलब नहीं। फिर अगर किसी का कुछ नुकसान हो जाए तो कबीले वाले की ज़िम्मेदारी होती थी कि उस नुकसान को की पूर्ति कराएं, यानी उसको दिलाएं। या कोई शख्स कैद हो जाता था तो उसके कबीले वालों की ज़िम्मेदारी होती थी कि उसको कैद से छुड़ाएं, ठीक है ना। ये सारी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती थी?
एक इंसान के कबीले वाले के ऊपर, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि आम तौर पे अभी भी ये जिम्मेदारी अपने अपने कबीलों पे आयद होगी, लेकिन आगे के कुछ पॉइंट्स हैं जिससे ये समझ में आएगा कि अगर कबीला नहीं आपको दिला पा रहा है जस्टिस, अगर आपका कबीला आपको ब्लड मनी नहीं दिला पा रहा है, या आपका कबीला आपके कैदियों को आज़ाद नहीं करा पा रहा, या आपका कबीला जो है वो फिदिया वगैरह नहीं दे पा रहा, तो उस सूरत में ये जिम्मेदारी तमाम मुसलमानों पे आयद होगी। तो चेंज जो इस्लाम ने ये किया कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहने दिया कि अभी भी जो है कबीले वालों की जिम्मेदारी होगी कि इस चीज़ को हासिल करें, लेकिन पहले क्या था कि अगर कबीले वाले हासिल ना कर सकें तो फिर मिल ही नहीं पाता था, यानी इंसाफ नहीं हो पाता था। लेकिन आगे के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं फिर बयान करूँगा, उसमें यह है कि अगर कबीले वाले ब्लड मनी नहीं दिला पाते हैं, या कैप्टिव्स आज़ाद नहीं करा पाते हैं, या इस तरह के मामलात में आपसी तआवुन के ज़रिए जो है इंसाफ नहीं हासिल कर पाते हैं, उस सूरत में ये तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी होगी कि मज़लूम शख्स को इंसाफ दिलाया जाए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी होपफुली। तो तीन पॉइंट्स हो गए हैं, आगे चौथे पॉइंट्स पे चलते हैं। जी तो ये चौथा पॉइंट है। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि पॉइंट नंबर 4 से पॉइंट नंबर 11 तक डिफरेंट ट्राइब्स के लिए सेम बात कही गई है, तो इसको मैं एक ही जगह कंबाइन करके बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 टू पॉइंट नंबर 11 या क्लॉज नंबर 4 टू क्लॉज नंबर 11 तक एक ही तरह की बात है मुख्तलिफ ट्राइब्स के लिए। तो वो ट्राइबल स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा होगा। तो वो सब ट्राइब्स के लिए एक ही तरह की बात की गई है, तो हम एक ही बात कहेंगे और मान लेंगे कि यही बातें सारे ट्राइब्स पे एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 टू 11 में क्या कहा जा रहा है कि द बनू ऑफ, अब ये बनू ऑफ कौन है मैं बताता हूँ अच्छे से। बनू ऑफ कीप टू देयर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। देखिए ये बात भी कही जा रही है कि बनू ऑफ अपने जो ट्राइबल स्ट्रक्चर था और जो उनकी क्यादत में जो लोग थे वो एज इट इज़ रहेंगे, कोऑपरेटिंग विद ईच अदर रिगार्डिंग ब्लड मनी एंड रिलेटेड मैटर्स, सेम बात जो पहले आ चुकी है, एंड रैनसमिंग देयर कैप्टिव अकॉर्डिंग टू वॉट इज कस्टमरी एंड इक्विटेबल एमॉन्ग बिलीवर्स। ये बात, ये क्लॉज जो है पहले जेनरिक था, अब बनू ऑफ के लिए खास तौर पर आया, फिर बनू ऑफ के अलावा और दूसरे कबीलों के बारे में भी इसको मैंशन किया गया है। तो हम यानी सबको बारी बारी से नहीं पढ़ेंगे, मान लेंगे कि इसी तरह सबके लिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। बनू ऑफ कौन लोग हैं पहले समझ लीजिए। आपके सामने आपको मालूम है कि मदीने के अंदर जो अरब प्राइमरीली जो दो तबका था अंसार का, वो एक खजरज था और एक औस था, औस और खजरज, औस और खजरज। ऊपर बनू ऑफ है, औस मत समझिएगा, औस अलग है, बनू ऑफ अलग है, समझ लीजिए बात। ऊपर बनू ऑफ मेंशन किया गया, हाँ। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि मदीने के अंदर अंसार मदीना जो थे उनको अगर दो हिस्सों में बांटा जाए तो एक हिस्सा खजरज और एक हिस्सा औस, ठीक है ना। खजरज में भी 5 बड़े ट्राइब्स थे और औस के अंदर 4 सब ट्राइब्स थे, ठीक है ना। तो अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पर इस वक्त देखें आप, तो देखें कि खजरज के अंदर जो कबीले हैं उन कबीलों का नाम क्या क्या है। एक औस, दूसरा अम्र, तीसरा जुशाम, चौथा काब, पांचवा अल हारिस, है ना। और औस के अंदर जो कबीले हैं वो कौन कौन हैं, औफ, अन्नाबित, जुशाम और इमरुल कैस। तो इमरुल कैस नाम से एक पोइट भी था अरब का बहुत मशहूर, तो मतलब कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है ना। तो ये 4 सब ट्राइब्स हैं औस के और वो 5 सब ट्राइब्स हैं खजरज के। लेकिन ये जो टोटल 9 सब ट्राइब्स हैं ना, इनमें खास बात है जो आप ध्यान से देखिए कि खजरज में भी, अगर स्क्रीन को आप देख रहे हैं तो खजरज में भी एक कबीला है जिसका नाम है औफ, ठीक है, और औस में भी एक कबीला है जिसका नाम है औफ। तो औस और खजरज दोनों में एक एक कबीला है जिसका नाम औफ था, ठीक है ना। तो इसीलिए जब बनू औफ कहा जाता था, टोटल बनू औफ कहा जाता था, तो इससे मुराद ये तमाम कबीले, औस और खजरज के तमाम कबीले हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हालांकि दैट इज़ नॉट लिटरली ट्रू, बट अंडरस्टूड था मदीने के अंदर कि व्हेन इट इज़ सेड के बनू ऑफ, टोटल बनू ऑफ, तो ये ऑफ इसमें भी हैं, ये ऑफ इसमें भी हैं। तो जब बनू ऑफ कहा जाता तो मुराद दो पूरा का पूरा कबीला, यानी तमाम औस व खजरज इसमें इंक्लूडेड है। यानी तमाम औस व खजरज के जो ट्राइबल स्ट्रक्चर होंगे वो एज इट इज़ होंगे, और यानी उनकी आपसी जिम्मेदारी वगैरह वगैरह जो हमने पहले समझ ली। और इससे पहले कुरैश यानी मुहाजिरून के जो ट्राइबल स्ट्रक्चर होंगे उनको भी एज इट इज़ इंटैक्ट रहने का बयान किया गया पॉइंट नंबर 3 में, और उनकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बयान की गई। तो होपफुली ये पॉइंट नंबर 4 टू 11 आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
पॉइंट नंबर 12 और 13, ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये समझेंगे, ठीक है ना जी। तो पॉइंट नंबर 12 में है, द बिलीवर्स यानी मोमिनून शैल नॉट नेग्लेक्ट टू गिव एड टू डेप्टर्स, डेटर यानी कर्जदार को, amongst them according to what is customary in matters of fidya and blood money, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है, कहता है कि मोमिनून जो होंगे ना वो किसी कर्जदार के कर्ज अदायगी में या फिदिया देने में या ब्लड मनी देने में नेग्लिजेंस नहीं बरतेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, हमने इससे पहले के पॉइंट्स में ये समझा ना कि कबीले की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उनका ट्राइबल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, उनकी लीडरशिप इंटैक्ट रहेगी, दैत और अख्तिसास और फिदिया और ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन क्या होता था कि मदीने में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अपने कबीले वाले मुशरिक हैं, वो खुद मुसलमान हो गए, दो तीन लोग मुसलमान हुए, पूरा कबीला मुशरिक है। अब उन्हें ये थोड़ा सा खौफ होता था कि अगर हम कत्ल हो गए या हमारे साथ कुछ नुकसान हो गया तो हमारे सपोर्ट में तो हमारे कबीले वाले आएंगे नहीं, क्योंकि वो मुशरिक हैं, है ना। तो हम और पीछे पॉइंट्स में ये मेंशन है कि ये कबीले की जिम्मेदारी है कि जुल्म से उनको निजात दिलाएं वगैरह वगैरह, और उनकी तरफ से फिदिया दें और जो भी पॉइंट्स थे। तो उनको ये खदशा था कि भाई हमारे पास तो ऐसा कोई सपोर्ट है नहीं, तो उनके लिए पॉइंट है पॉइंट नंबर 12 में कि अगर उनका कबीला उनके लिए एक्सट्रैक्ट ना करे, उनको जुल्म से निजात ना दे या उनको बदला ना दिलाए या उनकी तरफ से कर्ज वगैरह ना अदा करे या उनकी तरफ से फिदिया और जो है ब्लड मनी ना अदा करे, तो ये तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी एंड नन ऑफ द बिलीवर्स शुड नेग्लेक्ट दिस, है ना। जस्ट बिकॉज समवन इज नॉट फ्रॉम योर ट्राइब डज नॉट मीन यू शुड नॉट हेल्प देम। दिस इज द लाइक जिस्ट एंड क्रक्स ऑफ पॉइंट नंबर 12, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 12 की एक और हिकमत है कि पॉइंट नंबर 12 इज एक्चुअली अ प्रैक्टिकल स्लो स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग उम्मा विच इज नॉट बेस्ड ऑन ट्राइबल स्ट्रक्चर, रैदर इट इज बेस्ड ऑन द फेथ, इट इज नॉट बेस्ड ऑन यानी कि कबायली जो ताल्लुकात हैं, कबायली जो बंधन हैं उनके बिना पे कायम ना हो सोसाइटी, बल्कि ईमान के बिना पे सोसाइटी कायम हो, उसकी तरफ पहला कदम है ये। क्यों? क्योंकि कहा गया कि अगर आपका कबीला आपको नहीं दिला पा रहा तो फिर ये तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी एंड नन ऑफ द बिलीवर्स शुड नेग्लेक्ट दैट। तो दिस इज वन ऑफ द स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग अ कम्युनिटी विच इज बेस्ड ऑन फेथ इंस्टेड ऑफ ट्राइबल बॉन्ड, क्योंकि धीरे धीरे ट्राइबल स्ट्रक्चर को यानी ट्राइबल स्ट्रक्चर कमज़ोर भी होना ज़रूरी है ताकि ईमानी जो ढांचे पे बनी तामीर है वो मजबूत हो सके, ठीक है ना। लेकिन इसको एकदम से नहीं किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये आपकी हिकमत अमली थी, ठीक है। और ये सियासी मामला था तो सियासी मामलात में ग्रेजुअलिज्म अलाउड है, है ना। हाँ, शरीयत के जो कोर मसले हैं, मिसाल के तौर पे हराम और हलाल का मामला है, हुदूद का निफाज है ना, और जो है वो अदल व इंसाफ का क़याम वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जाहिर है कि उसमें ग्रेजुअलिज्म नहीं है शरीयत में, लेकिन जो सियासी ट्रीटीज़ एंड पैक्ट्स एंड ये सारी चीज़ें होती हैं जो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकती हैं, जो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कभी भी दो ज़माने में जो है वो उनमें सिमिलैरिटी या क्यों कह लीजिए कि कॉन्ग्रुएंस नहीं रहता, उसमें शरीयत ने इस बात की इजाज़त दी है कि इमाम वक्त को इख्तियार दिया है कि वो अपनी हिकमत अमली से इन चीज़ों को कर सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है फिक्र के अंदर, तो हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। पॉइंट नंबर थर्टीन देखिए क्या है, द गॉड फियरिंग बिलीवर्स, है ना, यानी वो मोमिनीन जो अल्लाह ताला से डरते हैं, आर अगेंस्ट, वो सब उसके मुखालिफ होंगे, किसके मुखालिफ होंगे, हूसोएवर ऑफ देम एक्ट्स रॉन्गफुल्ली, यानी मोमिनीन तमाम मिलके उस शख्स के मुखालिफ होंगे जो उनमें से, ये अभी कोई फॉर मुशरिकीन की बात नहीं हो रही, ये मुसलमानों की बात हो रही, कि तमाम मोमिनीन उस शख्स के मुखालिफ होंगे जो उनमें से कोई नाफरमानी का काम करे, है ना, या कोई ऐसा काम करे जो जुल्म पे मबनी, है ना, या किसी गुनाह को प्रमोट करे या बगावत करे या मुसलमानों और आमतुल मोमिनीन के दरमियान किसी बुराई को फैलाने का तालिब हो। यानी कोई शख्स अगर इस तरह की सिफात वाला हो तो तमाम अहल ईमान उसके मुखालिफ होंगे, दे शैल ऑल यूनाइट, यानी ऑल ऑफ दीज बिलीवर्स शुड यूनाइट अगेंस्ट हिम इवन इफ ही इज द सन ऑफ वन ऑफ देम, चाहे वो उनमें से किसी की का बेटा ही क्यों ना हो,
उन उसके खिलाफ तमाम मोमिनीन मुत्तहिद होके उसकी मुखालफत करेंगे। ये बहुत अहम पॉइंट है और ये इस्लाम के कोर प्रिंसिपल को उजागर कर रहा है, वो है अमर बिल मारूफ नहीं अनल मुनकर, यानी अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। यानी यूँ कह लीजिए कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस्लामी निज़ाम का। मैं इंडिविजुअल लेवल पर बात नहीं कर रहा, मैं कलेक्टिवली, जब इस्लाम एक सोसाइटी और निज़ाम की हैसियत लेता है, इस्लाम जब एक सियासी कुव्वत की हैसियत लेता है, तो उसके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स में से, उसके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स, बात को समझ लीजिए, इसको अगर आप चाहें तो लिख लीजिए कहीं, उसके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स में से एक ये है कि अमर बिल मारूफ किया जाए, यानी अच्छाई का हुक्म दिया जाए, अच्छाई को तरजीह दी जाए, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं, ऐसे माहौल कायम किया जाए कि अच्छाई जो है बढ़े और नहीं अनल मुनकर, और बुराई को यानी एक तो उससे रोका जाए कुव्वत के बिना पे, फिर कुछ बुराइयां जो कुव्वत के बिना पर नहीं रोकी जा सकती या एकदम फौरी तौर पे ख़त्म नहीं की जा सकती, उसको बहुत डिस्करेज किया जाए, उसको कन्फाइन किया जाए, उसको कम करने की कोशिश की जाए। तमाम पॉलिसीज इसी बात के इर्द गिर्द घूमती हैं इस्लामी सियासत में, ठीक है ना, समझ रहे बात को कि नहीं। दिस इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक रियासत, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को 13 पॉइंट में, इस बात को 13 पॉइंट में बहुत अच्छे से बयान किया गया कि तमाम जो है अल्लाह से डरने वाले मोमिनीन जो हैं उस शख्स के ख़िलाफ़ हो जाएंगे जो नाफरमानी का काम करेगा या जुल्म फैलाएगा या किसी गुनाह को आम करने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पे इस्लामी सोसाइटी में, अब यहाँ देखिए बिल्कुल आप देख लीजिए, ये पॉइंट सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पॉइंट नंबर 13 किसी के सामने भी कहा जाए तो उसको लगेगा कि हाँ हाँ यार बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉइंट नंबर 13 गोज़ अगेंस्ट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, goes against the modern concept of freedom, बहुत important है, क्योंकि it won't allow you to promote sin। क्या लिखा हुआ है कि तमाम अहले ईमान मुत्तहिद होकर उस शख्स के ख़िलाफ़ हो जाएंगे जो किसी गुनाह को आम करने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पे इस्लामी निज़ाम कायम हो चुका है और एक शख्स जो है वो DJ खोलना चाहता है, क्या उसको इजाज़त दी जाएगी ये कह के कि उसको इख्तियार है, आज़ादी है, फ्रीडम है? नहीं दी जाएगी। और यहीं पे जो फ्रीडम का तसव्वुर है जदीद दौर में, वो इस्लाम के फ्रीडम के तसव्वुर से टकरा जाता है, ठीक है ना, आप समझिए बात को। इस्लाम की जो आज़ादी का तसव्वुर है वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनल मुनकर से ऊपर नहीं हो सकता, इस बात को समझ ली। जिस तरह से मॉडर्न नेशन स्टेट्स की बुनियाद क्या है, नेशनलिज्म, स्टेट सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रीडम के नाम पे आप इन चीज़ों को की पामाली नहीं कर सकते मॉडर्न नेशन स्टेट्स में, आप नेशनलिज्म के खिलाफ नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी बुनियाद नेशनलिज्म। तो इसी तरह से इस्लामी निज़ाम की बुनियाद जो है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी अच्छाई को प्रमोट करना, बुराई से रोकना। तो इस्लामी निज़ाम में हर वो चीज़ फ्रीडम के नाम पे जो इस प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाए, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के, तो वो चीज़ फ्रीडम के नाम पे अलाउ नहीं की जाएगी। जैसे मॉडर्न नेशन स्टेट में जो उनकी बुनियाद है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ होगी तो फ्रीडम के नाम पे उसको प्रमोट नहीं करने देते, वो भी नहीं करने देते, वो बुराई को प्रमोट करने देंगे लेकिन वो ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करने देंगे जो उनके सिविलाइजेशन और उनके निज़ाम की बुनियाद है। उसी तरह इस्लाम के निज़ाम की बुनियाद क्या है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। तो इस्लाम बाकी चीज़ों को प्रमोट करने देगा, आप अपनी ज़बान बोलिए, आप 10 तरह की जो है आइडेंटिटी रखिए, आप पूरी दुनिया में जहाँ चाहिए बगैर जो है वो कागज़ पत्थर के घूम सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में जो है 1000 तरह का पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हैं जिसमें इस्लाम ने बहुत फ्रीडम दी, ये मॉडर्न नेशन स्टेट्स में नहीं है फ्रीडम। लेकिन फिर इसके बरक्स हम देखते हैं कि जब अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से कोई चीज़ टकरा जाएगी तो इस्लाम में वहाँ फ्रीडम ऑफ या राइट्स वगैरह कर्ब हो जाते, ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये पॉइंट नंबर 13 बज़ाहिर बहुत खूबसूरत लग रहा है लेकिन इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए तो आपको रियलिटी समझ में आएगी कि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है ना या कॉन्सेप्ट ऑफ राइट है, दैट डज नॉट सुपरसीड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। क्योंकि कहा जा रहा है कि तमाम जो बिलीवर्स हैं वो मुत्तहिदा तौर पर उसकी मुखालफत करेंगे जो किसी गुनाह को आम करने की कोशिश करे या कोई नाफरमानी को खुल के करे या मोमिनीन के दरमियान किसी बुराई को फैलाने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा प्रोग्राम करता है वो जिसके ज़रिए आम मुसलमान जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो दीन का बहुत ज़्यादा फहम नहीं रखते लेकिन मुसलमान हैं, उनके दरमियान ऐसे प्रोग्राम्स करके उनके ईमान और उनके अकीदे को ख़राब करे, उनके ईमान को मशकूक बना दे, उनको इस्लाम के बारे में डाउट पैदा करा दे, उनको कुरान और सुन्नत के बारे में बेवजह के डाउट्स पैदा करा दे। हालांकि इन बातों की कोई हैसियत नहीं होती लेकिन आम मुसलमान आम तौर पर इन चीज़ों में फंस जाते हैं।
तो ऐसे शख्स को भी बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दी जाएगी। इस बात को समझ लीजिए, दैट इज नॉट, व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग कम्स, दैट दैट काइंड ऑफ फ्रीडम इज नॉट अलाउड इन इस्लामी रियासत, बिकॉज इट गोज अगेंस्ट अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ जो है पॉइंट नंबर 13 में है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो जुल्म को दे प्रमोट करे, या किसी गुनाह को आम करे, या अल्लाह ताला की नाफरमानी को आम करे, या आमतुल मुस्लिमीन के दरमियान जो है किसी बुराई को फैलाने की कोशिश की जाए, तो इस तरह की चीज़ों की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और तमाम अहले ईमान उस शख्स के खिलाफ हो जाएंगे, मुखालफत करेंगे, चाहे उनका में से किसी का एक बेटा ही क्यों ना हो। तो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रूफ दैट इस्लाम का जो जस्टिस का पैरामीटर है वो इंतहाई सख्त है, और इस्लाम बेलाग जस्टिस में, बेलाग अदल में, बेबाक अदल में यकीन रखता है। लिहाजा फरमाया गया कि अगर उनमें से, यानी मोमिनीन में से किसी का बेटा ही क्यों ना हो, अगर वो ऐसी हरकत करेगा तो तमाम मोमिनीन मुत्तहिद हो जाएंगे उसके खिलाफ। तो ये भी इस्लाम की बेबाक और बेलाग जस्टिस की मिसाल है। और यहाँ पे यानी जस्टिस के मामले में इस्लाम जो है ईमान और गैर ईमान वाले के दरमियान भी फ़र्क नहीं करता, इस बात को समझ लीजिए। अदल व इंसाफ में ईमान और गैर ईमान वाले के दरमियान फ़र्क नहीं किया जाएगा। अमानत में दयानतदारी दिखाने में ईमान और गैर ईमान वाले में फ़र्क नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये बात है जो वाजह की गई कि इनका अपना ही क्यों ना हो, उस पर जो है वो उसके ख़िलाफ़ मुत्तफिक हो जाएंगे। एक अहम बात है कि अच्छा, ये पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया कि यहाँ पॉइंट नंबर 12 में जो ये बताया गया कि कर्ज़ वगैरह की ज़िम्मेदारी आमतौर पर पहले कबाइल के ऊपर आती थी, अब जो है ये तमाम मोमिनीन के ऊपर आएंगी, ताकि जिन लोगों का कबीला मजबूत ना हो, या जिनके कबीले वाले मुशरिक रह गए हों, उनको ये खदशा ना हो कि हम तो यार बेर यारों मददगार हो गए। तो ये 13 पॉइंट्स तक हमने कवर कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से हम पॉइंट नंबर 14 ऑनवर्ड्स करेंगे, और एक ही लेक्चर लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। एक लेक्चर में हम पूरा ये दस्तूर मदीना ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। और यहीं पे मैं आज अपनी बात को क्लोज़ करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है जो बातें भी हमने की उसको कबूल फरमा लें, जो इसमें ख़ता हो गई, जो बात शारह अलैहिस्सलाम के मकसूद के ख़िलाफ़ हो, या जो अल्लाह ताला की मंशा और मर्ज़ी से टकराती हो, तो अल्लाह ताला उस बात को हमारे और आपके जहन से गायब कर दे, और जो चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक हो तो अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले। जो इसमें ख़ता हो गई हो, चाहे ख़ता ज़बान से हो, ख़ता नीयत में हो, ख़ता तरीक़े में हो, अल्लाह ताला उसको माफ़ करे, और जो सही तरीक बात हो इसमें वो अपनी बारगाह में कबूल भी कर ले, हमारी माफ़ी का, हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया भी बना दे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपकी अताअत और इत्तिबा में इजाफे का सबब बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला अब मैं आपके सवाल जवाब को ले लूँगा।